आज आप लोगों को जो है भौतिक विज्ञान के पहले अध्याय का अगला टॉपिक, जिसमें गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम हैं, जिनके आधार पर ही जो है हम उसके द्वारा प्रतिबिंब का आरेख खींच सकते हैं, ठीक है, उस नियम को आपको हमें बताना है। तो क्या है गोलीय दर्पण? यहां पर गोलीय दर्पण से हमारा सेंस है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। पहला नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है, ये पहला नियम। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात किससे गुजरती है? फोकस से गुजरती है, अथवा गुजरती किस में है? अवतल दर्पण में गुजरती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत किस में होती है? उत्तल दर्पण में। इसका फिगर आप लोग देखेंगे, यह अवतल दर्पण है। इसका द्वारक अनियमन यम को इसका नाम उसको नाम देते हैं, ये इसका मुख्य अक्ष है। ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष हमेशा दर्पण का जो परावर्तक तल होता है उसके मध्य बिंदु पर काटना चाहिए। जिस बिंदु पर काटेगा इस बिंदु को हम कहते हैं कोण, ये इसका फोकस बिंदु है, जब से जुड़न करते हैं प्रदर्शित करते हैं, ये इसकी वक्रता त्रिज्या है। तो कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है, यह अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में गुजरती है, अवतल दर्पण में गुजरती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण देखिए आप, जिसका परावर्तक तल हो रहा हो उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। इसका द्वारक है यमन यम टू, इसका मुख्य अक्ष है, इसका वक्रता केंद्र यह है, इसका फोकस बिंदु यह है और वक्रता केंद्र क्या है? सी है और ध्रुव है पी। ध्यान दीजिए, पहला में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उत्तल दर्पण में फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, अवतल दर्पण में फोकस से गुजरती है, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है? फोकस से जाने वाली किरण अथवा जाती प्रतीत होने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होती है? समांतर हो जाती है। और ध्रुव है, फोकस बिंदु यह है और ये जो है प्रवक्ता के सी। इसमें क्या कहा गया? फोकस से होकर जाने वाली किरण, फोकस से किरण जा रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होती है? समांतर हो जाती है, या अवतल दर्पण में होगा। उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यह आपका उत्तल दर्पण है। मुख्य अक्ष है, फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र, ऐसे प्रकाश की किरण है, जाति प्रतीत हो रही है, देखिए
उत्तल दर्पण में प्रतीत होने की स्थिति को हम गाढ़ दर्पण स्थित करते हैं। प्रावर्तन के पश्चात क्या होती है? जाति प्रतीत हो रही है यहाँ पर, तो प्रावर्तित होकर क्या होगी? ये मुख अक्ष के ऐसे समांतर हो जाएगी। ये दो क्या है? दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है? दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण प्रावर्तन के पश्चात अपने ही पथ पर क्या होती है? वापस हो जाती है। तीसरा नियम क्या है? दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण प्रावर्तन के पश्चात अपने ही पथ पर क्या होती है? वापस हो जाती है। ये तीसरा नियम है। अवतल दर्पण है द्वारा के मोन एम टू, ये इसका मुख्य अक्ष है। ध्रुव पी, फोकस बिंदु एफ और वक्रता केंद्र सी। तो कह रहा है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण अपने ही पथ पर क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। यह है तीसरा नियम। ये अवतल दर्पण में है। उत्तल दर्पण देखिए, इसका द्वारक है एम1 एम2, फोकस बिंदु एफ, वक्रता केंद्र सी। होकर जाति प्रतीत होने वाली किरण देखिए अपने ही पथ पर क्या होती है? वापस हो जाती है। ध्रुव पी, ये तीसरा नियम है। चौथे नियम को जो है इस निम्न चित्र के अनुसार, इस चित्र के अनुसार जो चित्र हम बना रहे हैं, यदि कोई प्रकाश की किरण पोल से होकर जाती है इस प्रकार में, तो इस प्रकार का जो है वो परावर्तन प्रदर्शित करती है। देखिए यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव से जाती है तो इस प्रकार से क्या होती है? परावर्तन वो प्रदर्शित करती है। एक फोकस बिंदु एफ है और क्या है? सी है। अरे प्रावर्तन कितनी होगी? जितना कोण जो है आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच में है उतने ही कोण मुख्य अक्ष और परावर्तित किरण के बीच में होकर के क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। ये अवतल दर्पण में हो गया। उत्तल दर्पण में देखिए, यमन एम टू, फोकस बिंदु एफ, वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता बिंदु केंद्र सी और ध्रुव पी। ऐसे ध्रुव से होकर जा रही है किरण, तो जितना कोण मुख्य अक्ष और जो है आपतित किरण के बीच में है उतने ही कोण से क्या होती है? इस प्रकार से परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, किसी भी दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए इन चारों नियमों में से किन्हीं दो नियमों का होना आवश्यक है। इन चारों नियमों में से किन्हीं दो नियम का होना आवश्यक है, तभी जो है प्रतिबिंब को हम किरण आरेख के द्वारा निर्धारित कर सकते हैं, अन्यथा निर्धारित कर पाना संभव नहीं।